हेलो दोस्तों, आज हमारे पास आई है बजाज मैक्सिमा गाड़ी, जिसके जो है ब्रेक फेल हो गए हैं। तो अभी हमने इसको देखा, इसकी किट लीक हो गई है पहिए की। तो अभी दोस्तों हम इसके पहिए को खोल के देखेंगे, उसके बाद जो है किट को चेंज करेंगे इसकी। चलिए तो अभी हम जो है इसके पहिए को ढीला कर लेते हैं। हमने पहिया ढीला कर लिया है इसका और गाड़ी को भी उठा लिया है दोस्तों। अब इसके टायर को खोल के जो है एक साइड में रखते हैं हम लोग, उसके बाद जो है इसके ड्रम को बाहर निकाल के देखेंगे। हमको लग रहा है कि इसके ब्रेक भी बेकार हो रहे हैं दोस्तों, इसीलिए इस गाड़ी की किट लीकेज हुई है। तो चलिए दोस्तों अब हम जो है इसके टायर को खोल के एक साइड में रख देते हैं, उसके बाद इसके ड्रम को बाहर निकाल के देखते हैं। ये दोस्तों हमने इसके टायर को निकाल के बाहर रख दिया है, अब इसके ड्रम को बाहर निकालेंगे हम लोग। ये देख सकते हैं दोस्तों, हम कह रहे थे हमको लग रहा है इसके ब्रेक शू बेकार हुए हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसके ब्रेक शू जो हैं उछल गए हैं, इसी चक्कर में गाड़ी का जो है पिस्टन बाहर निकल गया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ब्रेक शू बेकार होने की वजह से हमारी किट बेकार हुई है, हमारा पिस्टन जो है बाहर को निकल गया है ब्रेक शू ज़्यादा फैलने की वजह से। तो चलिए अब हम जो है इसके ब्रेक शू खोलते हैं और इसकी किट को चेंज करते हैं और इसमें नए ब्रेक शू फिट करते हैं। चलिए तो ब्रेक शू को खोल लेते हैं अभी हम। ये दोस्तों हमने ब्रेक शू को खोल लिया है दोनों लॉक पत्ती को, अब ब्रेक शू को बाहर निकालते हैं इसके। चलिए दोस्तों ब्रेक शू को जो है हमने बाहर निकाल लिया है अभी। अब हम जो है इसके किट वाले पिस्टनों को दोनों को बाहर निकालेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने जो है किट वाले पिस्टनों को बाहर निकाल लिया है दोनों को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब इसके ब्रेक शू को खोल लेंगे हम। ये ब्रेक शू जो है हमारे बेकार हो चुके हैं दोस्तों, ये एडजस्टर भी बेकार हो गया है दोस्तों हमारा ब्रेक बढ़ाने वाला। ये स्प्रिंग को भी नया लगाएंगे हम। चलिए दोस्तों तो अब इसकी किट को निकाल के नई फिट करते हैं पहले हम लोग। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसकी किट को पहले निकाल लेते हैं बाहर, उसके बाद जो ये पुरानी वाली रबड़ों को निकालने के बाद इसमें नई किट को फिट करेंगे दोस्तों हम। ये दोस्तों हमने दोनों ही रबड़ों को, पुरानी वालियों को बाहर निकाल दिया है दोस्तों। अब हम जो है इसकी सफाई कर लेंगे पहले, उसके बाद जो इसमें नई किट को फिट करेंगे। ये दोस्तों हमारी सफाई जो है हो चुकी है, हमने जो इनकी पिस्टनों की सफाई जो है कर ली है बढ़िया तरीके से। अब हम जो है इसमें नई किट को फिट करेंगे। चलिए तो अब इसकी नई किट को फिट करते हैं हम लोग। ये देख सकते हैं दोस्तों, KBX की किट ले आए हैं हम लोग, KBX की ओरिजिनल किट ले कर आए हैं। चलिए तो अब हम जो है किट को चढ़ा लेते हैं। ये दोस्तों हमारी एक रबड़ जो है चढ़ चुकी है पिस्टन के अंदर, अब दूसरी रबड़ को चढ़ा लेंगे पिस्टन के अंदर। दोस्तों ओरिजिनल किट की ख़ास बात यह है कि वो कभी भी हाथ से नहीं चढ़ेगी, वो पेचकस से ही चढ़ेगी, हार्ड होती है। ये दोस्तों दोनों रबड़ें चढ़ चुकी हैं हमारी, छोटी वाली, अब बड़ी वाली रबड़ों को चढ़ा लेंगे। ये एक रबड़ हमारी लग चुकी है दोस्तों, अब दूसरी वाली रबड़ को भी लगा लेते हैं। ये दोस्तों हमारी दोनों रबड़ें लग चुकी हैं, अब गाड़ी के अंदर फिट करेंगे इसकी धुलाई करके तवे की। चलिए पहले तो जो है इसके तवे की अच्छी तरीके से सफाई कर लेते हैं पानी से, उसके बाद जो है तवे की सफाई करने के बाद जो है हम इसके किट वाले पिस्टनों को फिट करेंगे सिलेंडर के अंदर। चलिए तो अभी हम जो है इसकी सफाई अच्छी तरीके से कर लेते हैं पहले।
ये देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर कितनी गंदगी है तवे के अंदर। चलिए दोस्तों हमारे तवे की जो है सफाई हो चुकी है, अब इसको पानी साफ करके सिलेंडर का पिस्टन फिट करेंगे इसके अंदर सिलेंडर के। चलिए तो सिलेंडर को फिट कर लेते हैं हम लोग। सिलेंडर को फिट करते समय हल्का हल्का पेचकस से इसकी छोटी वाली रबड़ को दबा लेंगे ताकि रबड़ हमारी जो है बेकार ना होए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोग दबा रहे हैं हल्की हल्की रबड़ को और प्यार से पिस्टन को अंदर बिठा लेंगे। उसके बाद ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा पिस्टन जो है बैठ चुका है अंदर। अब इसकी रबड़ को चढ़ा देंगे बाहर वाली को बड़ी वाली को और पेचकस से जो है सही कर देंगे उसको बड़ी रबड़ को। ये दोस्तों हमारा एक पिस्टन लग चुका है, अब दूसरे पिस्टन को लगा लेते हैं। दूसरे वाले पिस्टन को भी इसी तरीके से हल्की हल्की रबड़ दबा के साइड से पेचकस से इसको भी अंदर बिठा लेंगे। ये दोस्तों हमारा ये वाला पिस्टन भी बैठ चुका है, अब इसकी रबड़ को भी चढ़ा लेंगे ऐसी। उसके बाद जो है इसको भी ठीक कर लेंगे पेचकस से। ये दोस्तों हमारे पिस्टन जो है दोनों लग चुके हैं, अब चेक कर लेंगे दोनों पिस्टन फ्री हैं हमारे। ये देख सकते हैं दोनों पिस्टन फ्री हैं हमारे दोस्तों। अब जो है इसकी तवे की सफाई करके इसमें जो है हम लोग नए ब्रेक्स को फिट करेंगे। ये इसका एडजस्टर है जिसकी हम धुलाई कर रहे हैं दोस्तों। अब इसके ड्रम को भी अच्छी तरीके से धो लेंगे। ये दोस्तों इसका ड्रम भी जो है धुल चुका है अच्छी तरीके से। अब इसकी कील पत्तियों को धो लेंगे अच्छी तरीके से। ये दोस्तों हमने कील पत्ती भी धो ली है इसकी अच्छी तरीके से। अब हम जो इसके ब्रेक शू को फिट करेंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों हम पॉज के ब्रेक शू ले आए हैं और ये KBK का एडजस्टर है हमारा ब्रेक बढ़ाने वाला। तो चलिए दोस्तों ब्रेक शू को बाहर निकाल लिया हमने डब्बे से, अब इसको फिट करते हैं हम लोग। ये दोस्तों हमने ब्रेक शू के अंदर जो है हैंड ब्रेक की पत्ती को लगा लिया है अभी। अब ये हमने जो है पिन की जगह नट को लगा लिया है, वैसे इसमें पिन होती है दोस्तों लगोगे, इस नट को अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। उसके बाद जो है इसमें एडजस्टर को फंसा लेंगे। ये दोस्तों हमारी हैंड ब्रेक की पत्ती टाइट हो चुकी है, अब इसमें एडजस्टर को फंसा लेंगे। ये दोस्तों देख सकते हैं आप लोग हमने हैंड ब्रेक की पत्ती में जो है एडजस्टर को फंसा लिया है अच्छी तरीके से। अब इसमें जो है एडजस्टर को नया लगाएंगे दूसरे वाले ब्रेक शू में। ये दोस्तों हमने स्प्रिंग जो है एडजस्टर के अंदर फंसा लिया है। चलिए अब ब्रेक शू में फिट करते हैं हम लोग। ये दोस्तों हमने ब्रेक शू में फिट कर लिया है एडजस्टर को नए वाले को। ये दोस्तों इसकी एडजस्टर की पत्ती है बीच वाली। ये दोस्तों हमने फिट कर लिए हैं दोनों ब्रेक शू, अब इसके स्प्रिंग को लगा लेंगे ऊपर वाले को। ये दोस्तों ब्रेक शू का स्प्रिंग हमेशा आप लोग नया लगाएं, जब भी ब्रेक शू को नया लगाएं पुराने ब्रेक शू पर जो है ये खिंच जाता है, नए ब्रेक शू वो फिर वापसी नहीं करता है, ये पहिया गर्म होता है हमारा इस चक्कर में। तो चलिए अब ब्रेक शू को फिट कर लेते हैं तवे के अंदर। ये दोस्तों ब्रेक शू हमारे तवे के अंदर लग चुके हैं, हम नीचे वाले स्प्रिंग को लगा लेंगे। ये दोस्तों हमने नीचे वाले स्प्रिंग को भी लगा लिया है, अब इसकी ब्रेक शू की कील पत्ती को लगा लेंगे।
ये दोस्तों हमने एक पत्ती को लगा लिया है ब्रेक शू की, अब दूसरी वाली की पत्ती को भी लगा लेंगे ब्रेक शू की। ये दोस्तों हमने दूसरी पत्ती को भी लगा लिया है ब्रेक शू की, अब हम जो है कपड़ा मार के ड्रम को लगाएंगे इसके अंदर। ये देख सकते हैं दोस्तों हमने ड्रम को लगा लिया है इसके अंदर, और अभी हमारे ब्रेक जो हैं ढीले हैं, हम जो है इसकी एयर निकालने के बाद ब्रेक को सेट करेंगे। ये दोस्तों हमने एयर निकाल दी है इसकी, अभी थोड़ी सी ब्रेक को सेट कर लेते हैं हम लोग। ये देख पा रहे हैं दोस्तों हम जो है एडजस्टर से ब्रेक को भी बढ़ा रहे हैं, ब्रेक दबा थोड़े छोड़ो। ये देख सकते हैं दोस्तों हमने ब्रेक को जो है भी बढ़ा लिया है, और अब इसकी एयर निकालते हैं पूरी तरीके से। बनाओ पेडल, ये देख सकते हैं दोस्तों ब्रेक शू जो है हमारे चल रहे हैं इस टाइम। ये ड्रम हिलाया है, दबा के रखो। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारे पैप में जो है कितनी एयर आ रही है इस टाइम, ये देख सकते हैं आप लोग। बनाओ, दबा कर रखो। चलिए दोस्तों अभी हम फिर से एयर को निकालेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों अभी हमारे पैप में जो है एयर आ रही है बहुत, एक दो बार इसी तरीके से एयर निकाल लेंगे ब्रेक पैप की। ये देख सकते हैं दोस्तों फिर से एयर आई है हमारे पैप के अंदर। चलिए दोस्तों एयर निकल चुकी है हमारी, अब इसके टायर को लगा लेंगे। ये दोस्तों हमने इसके टायर को भी लगा लिया है, अब इसके तीनों नटों को लगा लेंगे 19 नंबर के, उसके बाद जो है गोटी से टाइट कर देंगे इनको अच्छी तरीके से। चलिए तो अभी हम जो है तीनों नटों को लगा के गोटी से टाइट कर देते हैं इनको, उसके बाद जो है ब्रेक पैटल को चेक करेंगे हमारा ब्रेक पैटल जो है कैसा आया है। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा टायर जो है टाइट हो चुका है, अब ब्रेक पैटल को चेक करेंगे हम जाके। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा ब्रेक पैटल जो है अच्छा आ चुका है, बिल्कुल ऊपर आ गया है हमारा ब्रेक पैटल जो है सेट आ चुका है दोस्तों बिल्कुल, अब गाड़ी के अंदर फर्स्ट क्लास ब्रेक आ चुके हैं।